एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल जी. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल जी. दोनों में अंतर है. ये मत सोचना कि छोटा जी बड़े जी में फर्क नहीं होता. फर्क बहुत फर्क है. कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो इसके अंदर आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है. तो इसके लिए काम करना है आपको, आप इमेजिन करें ये अर्थ है. अर्थ के ऊपर एक पॉइंट मास है. उस पॉइंट मास की वैल्यू स्मॉल एम है. अर्थ का मास कैपिटल एम है और अर्थ का ये सेंटर है. और इसके अंदर इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो कैपिटल आर है. आज तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं, हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट की हाइट h 10 मीटर है. कहाँ से? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. पर अब ये अर्थ का क्वेश्चन है तो आपको सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेने हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. हम ये मानते हैं अर्थ जो है उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि है नहीं प्रैक्टिकली, पर हमारे केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और सारा का सारा मास कहाँ पर एज्यूम किया जाता है? एट सेंटर ऑफ अर्थ, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कैपिटल आर है. अब मुझे ये पता है कि जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी बाय अप्लाइंग सम फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा बाय अप्लाइंग अ सेम वैल्यू ऑफ फोर्स. अच्छा, इसका आंसर तो दे दो. न्यूटन ने जो दिया था, कैपल तो नीचे गिर गया, अर्थ क्यों नहीं ऊपर गई? मास का फर्क है भाई. फोर्स तो बराबर है पर अर्थ का मास ही इतना बड़ा है, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, जीरो आती है. लेकिन एप्पल का मास छोटा है तो एक्सेलरेट कर जाता है. क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉइंट क्लियर है. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स साथ साथ बनाना है. तो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन. सर बोलो. सर यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, एक बार दोबारा बता दो क्या बताया आपकी ना, वीडियो फ्रीज हो गई थी. ठीक है. तो इसमें ये जो अर्थ है इसने पॉइंट मास को अपनी तरफ खींचा, और अर्थ ने पॉइंट मास को खींचा बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, लेट अस सपोज एम जी. देखो फोर्स तो फोर्स है, लिखने का तरीका अलग है. होता तो अर्थ ने स्मॉल जी लगाया और फोर्स कितनी लगाई? एम जी. और इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ को कितनी फोर्स से खींचा? जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर. देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है. तो तू मैंने इक्वेट कर लो, एम इन टू जी, स्मॉल एम जी इज जी बड़ा मास छोटा मास बाय आर स्क्वायर. छोटा मास कट गया, स्मॉल जी की वैल्यू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इस फॉर्मूले को नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला. और कई बार तो इसकी कन्वर्जन बहुत काम आती है. कैपिटल जी एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं काफ़ी जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट भी किया करूँगा. तो ये रहा फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये सिर्फ अर्थ के लिए ही वैलिड नहीं है, ये किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है. बस इसमें तुम्हें मास, अगर मून का निकालना है तो मून का मास और मून का रेडियस, अगर जुपिटर का निकालना है तो जुपिटर का मास और जुपिटर का रेडियस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? स्मॉल जी का फॉर्मूला क्लियर है. तो स्मॉल जी ऐसे निकलेगा. अर्थ का रेडियस बता देता हूँ नॉलेज के लिए, वैसे हर क्वेश्चन में डिफरेंट गिवन होता है, पर वैसे अप्रॉक्सीमेटली अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, जो कि बहुत बहुत बड़ा है. छोटी नहीं अर्थ, 6400 किलोमीटर है. और ये रेडियस है, डायमीटर नहीं है. डायमीटर के हिसाब से अर्थ और भी बड़ी हो जाती है. क्लियर है यहाँ तक? तो अगर तुम यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू को पुट करो, मास ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली भी पुट करो, रेडियस पुट करो, तो जी की वैल्यू क्या आती है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तब एक स्टूडेंट पूछता है इस चैप्टर में, सर कैलकुलेशन में जी 10 यूज़ कर लें. भाई तुम जी को तो स्टडी कर रहे हो, तुमने यही तो स्टडी करना है कि अगर मैं 500 किलोमीटर ऊपर गया तो जी कितना चेंज हुआ. और तुम तो अप्रॉक्सीमेशन से ही 10 करे जा रहे हो. बिल्कुल भी मत करना, इस चैप्टर में स्मॉल जी 9.8 ही रहेगा. गलती से 10 पुट भी मत कर देना. क्लियर है यहाँ तक? स्टडी जी को कर रहे हैं, इसके अफेक्ट स्टडी करेंगे कि जी कैसे चेंज होता है. हम ये तो नहीं कह सकते कि बस ऐसे ही चेंज हो जाता है, राउंड ऑफ से भी चेंज होता है. ठीक है, तो कैलकुलेशन ईजी करने के चक्कर में मत करना.